ये देखिए, बेहतरीन मौसम के साथ हम लोग अपना गर्मा गर्म पोहे का मज़ा ले रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था कि ये वाटरप्रूफ होगा, मगर वाटरप्रूफ नहीं है। ये देखिए, टपक रहा है पानी। ये हमारा नया बैग आपने देख ही लिया होगा, मैं लास्ट वीडियो में, संकेत का बैग है। साथ में इसके रेन कवर भी मिलता है, तो फटाफट रेन कवर को डालते हैं इसमें। तो ये हमारा टेंट लग गया है, फटाफट इसके ऊपर ये सेकंड कवर भी लगा देते हैं। बारिश हो रही है, टेंट हम लोग का लग गया और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, भीग गए एकदम से हम लोग। और उधर आप देख सकते हैं, उस एकदम उधर बहुत दूर दिख नहीं रहा, बाकी उधर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो यहाँ भी कभी भी बहुत तेज़ बारिश आ सकती है, बाकी अभी बारिश हो ही रही है। पूरे बारिश में भीग कर इन्होंने टेंट लगाया। भाई हम लोगों ने टेंट अपना लगा लिया है और आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है। पानी आप देखिए कैसे पानी इकट्ठा हो रहा है और हम लोग पूरे एकदम भीग गए। और बाकी हम लोग का टेम्प्रोरी व्यवस्था हो गया है और बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। खैर अच्छा है, कैंपिंग के लिए बारिश बेस्ट होता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि ये वाटरप्रूफ होगा, मगर वाटरप्रूफ नहीं है। ये देखिए, टपक रहा है पानी। कोई बात नहीं, अंदर देखिए बिछा उछा दिया गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा नज़ारे लेते हैं और फिर बनाते खाते हैं कुछ। और एक बात और बता दूं आप लोग को कि जब भी इन पहाड़ों पे बारिश होती है और जब बारिश बंद हो जाती है ना, उसके बाद भाई साहब इतने बेहतरीन व्यू हो जाता है और बादल जगह जगह से पहाड़ों से इतना निकलते हैं, एकदम वाइट, बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को भी कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा इस चीज़ को। ये देखिए जुगाड़ करते हुए ऐसे हो गया, तो क्या है, जो पानी मतलब इकट्ठा नहीं होगा, सारा पानी नीचे को आ जाएगा। हम लोग की इंडिया जुगाड़ू लाल है भाई, हर चीज जुगाड़ से होता है। पीछवा पत्थर था यार, ये टेंट रख पीछवा। ये देखिए पत्थर ला दिए, दो तीन पत्थर। तो आप देखिए भाई, बारिश फिर से होने लगी, बादल भी गरजने लगे हैं,
आपको सामने देख रहे हैं ना बादल, तो मैं इसी नज़ारे की बात कर रही थी आपसे। आप देखिए ना कितना मनमोहक लग रहा है, कितना मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई साहब। मैं क्या बताऊँ आप लोग को, मतलब कैमरे में तो इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, पर आप जब रियल में देखेंगे ना तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, आप देखते ही रह जाएंगे। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब ये ना धीरे 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 उड़ते उड़ते ऊपर को एकदम चले जाएंगे, आसमान में चले जाएंगे। फिर यही जो है बारिश, फिर बारिश होती है, यही बादल जो है फिर नीचे आ जाते हैं बारिश के बूंदे के रूप में। क्या ज़्यादा नहीं अच्छा लगता बारिश? तो ज़्यादा बारिश तुमको अच्छी नहीं लगती? हाँ, ज़्यादा बारिश भी अच्छी लगती है, कम भी अच्छी लगती है। फिर ऐसी सोच रहा हूँ। तुम इतना क्यों सोचते हो, दिमाग पे इतना जोर क्यों देते हो? इतना जोर क्यों देते हो दिमाग पे? मैं छोटा सा दिमाग है तुम्हारा। मैं कह रहा हूँ जब हल्की फुल्की बारिश होगी तो हम बहुत क्या अच्छा लगेगा। अच्छा ये हम लोगों ने टेंट लगाया हुआ है, क्या खा रही हो? अकेले अकेले सुभाष भी खा रहा है। और मैं अब ये भी हमको तो पूछी ही नहीं, आप खेड़ी तो देख रहे हैं चुप्पे चुप्पे खाया जा रहा है। तो आज हम लोग बना रहे हैं पोहा। तो सबसे पहले हम पोहे को भिगो लेते हैं, क्योंकि जब सॉफ्ट हो जाएगा ना तभी पोहा इसका अच्छा लगता है खाने में। तो इसको अच्छे से एक दो पानी धो लेंगे। यह हमारा पोर्टेबल स्टोव, बारिश हो रही है तो इसलिए स्टोव पे ही खाना बनेगा, नहीं तो मन तो था हम लोग का कि आग जला कर खाना बनाए, तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए गरीबों की पैन, लाइटर सब उसी में है। अरे चालू हो जाएगा अपने आप ही, लाइटर उसमें लगा हुआ है। ऑन कर करो ना, ऑन पैन हटाओ, सुगुमाओ बस, वो लाइटर दबाओ बगल में। हाँ ये बड़ा बढ़िया चूल्हा है। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया गैस चूल्हा है, मुझे तो मज़ा आ गया। लाइटर की भी जरूरत नहीं है, झंझट खत्म। वरना वैसे क्या रहते थे फिर लाइटर लो माचिस लो, मतलब ध्यान देना पड़ता है काफ़ी उस चीज़ को, अक्सर करके भूल ही जाते हैं लाइटर। हाँ अक्सर करके भूल जाते हैं लाइटर ही भूल जाते थे। तो अभी बढ़िया है, मस्त एकदम। देखिए बारिश हो रही है, पानी देखिए टपक रहा है, ये दिख रहा होगा आपको। डालेंगे शेजवान चटनी,
इसको करी दे तो दो चम्मच डाल देंगे। मार मारे उधर गया। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अब ये पोहा डाल देते हैं। देखो धीमा कर दीजिए। हाँ धीमा करिए। एक बार ना आप शेजवान चटनी या फिर शेजवान जो ड्राई मसाला आती है फ्राइड राइस वाला, उसको डाल कर कभी पोहा बनाइए या फिर फ्राइड राइस बनाइए। जब चावल बच जाता है उसका मतलब, तो उसका जो टेस्ट होता है इतना बढ़िया लगता है, इतना लाजवाब आता है ना, मैं क्या बताऊँ। मैं जब शेजवान मसाले का इस्तेमाल करती हूँ तो बहुत सी चीज़ें मतलब जैसे कि जीरा वगैरह, काली मिर्च वगैरह, इसका इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि एकदम परफेक्ट होता है। उसमें अच्छा सब कुछ पड़ा होता है। तो हम इसमें नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, फिर हमारा जो पोहा है वो बनकर तैयार हो जाएगा भाई। बारिश हो रही है सिराज, बाहर नहीं आओ। मैडम मैं भीग चुका हूँ पूरा। मैं पूरा भीग चुका हूँ, तुम आओगे तुम भी भीग जाओगे, सर्दी लग जाएगी। तुम क्यों नहीं सर्दी लगी? मुझे भी लगेगी सर्दी, मैं तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तुमको लगेगा, ये तुमको एक हफ्ता लगेगा ठीक होने में, अभी तुमको ध्यान देना पड़ेगा। नमकीन डाल रही हूँ मैं इसको, एकदम बढ़िया कुरकुरा और टेस्टी बनाने के लिए मैं इस पर नमकीन डाल देती हूँ। ये वही नमकीन है जो हमने घर पे बनाया है, आलू भुजिया। तो देखिए हम लोग का जो सुपर टेस्टी पोहा बनकर तैयार हो गया है, और सिवाज पहले से शुरू भी हो गया खाने को क्योंकि उसको पोहा अच्छा लगता है। तो अब हम लोग भी जा रहे हैं फटाफट खाने। तो ये देखिए बेहतरीन मौसम के साथ, क्या ज़बरदस्त मौसम है, इसके साथ हम लोग अपना गर्मा गर्म पोहे का मज़ा ले रहे हैं। तो आप लोग भी आइएगा उत्तराखंड में, इस समय मौसम बहुत ही बेहतरीन हुआ है, और ऐसे ही कैंपिंग करिए और यहाँ की खूबसूरती का मज़ा लीजिए। इतना बादल निकला है, अभी और बारिश हो रही है। हाँ बारिश मुझे नहीं खा रही। आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।